वोटों की राजनीति नेताओं को कुछ भी करने के लिए मजबूर कर देती है। चुनाव के वक्त नेता कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। 24 के महासमर में कोई राम के नाम पर वोट मांग रहा है, तो कोई चप्पलों की माला पहने वोट मांग रहा है, तो कोई सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए लड़ रहा है। भले ही जमानत जब्त हो जाए तो कोई हवा में नारंगी पार्टी कर जनता को लुभाने की कोशिश कर रहा है। कवायद देखी है, बस किसी तरह से वोट मिल जाए। ये चुनाव नेताओं से क्या ना करवा दे, चुनाव जीतने के लिए नेताजी कुछ भी करेंगे। जरा आपने यूपी की तरफ देखिए, यहाँ टीवी के राम मिशन मेरठ को कामयाब बनाने में जुटे हैं। साहेबान हापुड़ में अरुण गोविल पूरे लाव लश्कर के साथ प्रचार के लिए पहुँचे। उनकी इस रैली में बैंड बाजा, ढोल धमाका, सब कुछ था। कुल मिलाकर फुल धमाल। लेकिन गोविल जी की ओपन जीप इतनी ठसाठस भरी थी कि हापुड़ के एमएलए साहब को जीप के बोनट पर जगह मिली। अब बेचारे नेताजी अपने राम जी के लिए वोट मांगने निकले तो कुछ नहीं, तो कम से कम बोनट पर तो जगह मिली, तो वहीं खुशी खुशी बैठ गए, राम जी के सारथी बन गए। साहेबान, हमने कहा था ना कि चुनाव जीतने के लिए कुछ भी किया जा सकता है। चेन्नई में तो नेताजी के लिए तोताजी भविष्यवक्ता बन गए और अपना ही भविष्य दांव पर लगा बैठे। यहाँ हुआ कुछ यूं कि एनडीए की सहयोगी पार्टी पीएमके के एक उम्मीदवार तोते वाले के पास पहुंच गए और तोते से अपना भविष्य पूछ लिया कि चुनाव में जीतेंगे या हारेंगे। तोताजी ने बता दिया कि जीत जाएंगे तो फिर क्या था। खुशी से झूमे नेताजी ने जनता के फैसले का इंतजार भी नहीं किया और खुद को विजेता मान लिया। लेकिन तोते और तोते वाले के तोते तब उड़ गए जब पुलिस को इसकी खबर मिली और उसने पोपट और पोपटलाल दोनों को जेल भेज दिया। हालांकि बाद में पोपटलाल को हिदायतों के साथ छोड़ दिया गया, तो पोपट यानी पैरेट को भी इस रोज रोज के भविष्य बताने के फर्जीवाड़े से मुक्ति मिली और उसे जंगल में मंगल मिल गया। तो भैया, अब अलीगढ़ के इन नेताजी से मिलिए, ये चप्पलों की माला पहन चुनावी कैंपेन करने उतरे हैं। केशव देव गौतम नाम के इस निर्दलीय उम्मीदवार को चुनाव आयोग ने चप्पल चुनाव चिन्ह दिया। फिर क्या था, लोगों का ध्यान खुद की ओर खींचने के लिए चप्पलों की माला पहनकर नेताजी वोट मांगने निकल पड़े। हालांकि इन्हें मन ही मन जरूर ये डर सता रहा होगा कि चप्पल पर बटन दबाने की बजाय जनता कहीं चप्पल की दिशा मुंह की तरफ ना कर दे। खैर, जिसे हारने का खौफ हो वो चप्पलों से डरे। जो लड़ते ही हैं हारने के लिए, उन्हें भला कौन हरा सकता है। दरअसल चुनावी अखाड़े में हल्के से भी हल्के उम्मीदवार की यही हसरत होती है कि जीत मिले या ना मिले, इज्जत यानी जमानत बच जाए। लेकिन महाराष्ट्र में दो ऐसे उम्मीदवार हैं जो बड़े ही शौक से चुनाव इसलिए लड़ते हैं ताकि इनकी जमानत जब्त हो जाए। अरे मतलब कि मेहनत कम नहीं करते, लेकिन क्या करे, अगर जनता ही जमानत जब्त कराने पर आमादा हो जाए। संजय गावंडे और नामदेव माणिकराव शेडमाके नाम के ये उम्मीदवार चंद्रपुर के वीसापुर गांव के रहने वाले हैं। देश और समाज की सेवा करना चाहते हैं, लिहाजा राजनीति में दाव आजमाते हैं। लेकिन ये कमबख्त खेल ही ऐसा है कि एक जीतता है बाकी सारे हार जाते हैं। लोगों का प्रतिसाद दे करके और मुझ में उत्साह निर्माण हुआ कि भाई मैं कुछ कर सकता हूँ, और यदि ऐसी लोगों का यदि साथ रहा तो मैं आगे चल के कुछ ना कुछ कोई भी समय में चुन के आ सकता हूँ और लोगों का आवाज बन के मैं संसद या में कोई विधानसभा में जा सकता हूँ। मैं 2009 से 2009 और 2014 में भी लोकसभा में मैं नामांकन दाखिल किया था। मैंने एक तो मैं लोकसभा की प्रक्रिया को जान लेना चाहता हूँ और मैं लोकसभा का किस तरह से होता है उस तरह से मैं यानी लोकसभा की प्रक्रिया को जानने के लिए मैं अपनी उम्मीदवारी
करता हूँ। कहीं अनावृष्टि तो कहीं अतिवृष्टि, यानी कहीं बिल्कुल सूखा तो कहीं पानी ही पानी। संजय गावंडे और नामदेव माणिकराव जमानत बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश की खजुराहो सीट पर बीजेपी उम्मीदवार विष्णुदत्त शर्मा के मन में लड्डू ही लड्डू फूटे जा रहे हैं। दरअसल खजुराहो लोकसभा सीट से मैदान में न पंजा है न साइकिल, इसलिए कमल को पूरा खाद पानी मिल रहा है। वैसे मुकाबले में 14 उम्मीदवार हैं, लेकिन शर्मा जी को लगता है कि यहां से उन्हें वॉकओवर मिल गया है। लेकिन भैया ये पब्लिक है, हिसाब किताब करने में कभी चूक नहीं करती।